भुवनेश्वर, हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो गया है और इसमें एक जो खास विधेयक है जो वो पेश होगा वो लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर होगा, जो 21 साल करने के लिए ये विधेयक पेश हो रहा है। क्या कुछ और खास रहने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो मानसून सत्र का पहला दिन है इसका आगाज हो चुका है। सबसे पहले जिस तरीके से अगर देखा जाए, भाजपा इस बार जो 28 विधायकों के साथ विधानसभा सत्र पहुंची हुई, अगर बात करें कांग्रेस के बाद पहले भी 40 विधायक थे, अब भी 40 है। बता देना चाहते हैं कि जो 27 फरवरी को जो क्रॉस वोटिंग हुई थी इसके पश्चात जो 6 जो बागी विधायक थे उन्हें निष्कासित किया गया था, साथ ही जो 3 निर्दलीय विधायक थे उनका भी जो चुनाव हुआ, जिनमें से भाजपा ने 3 सीटें जीत पाई, जिसमें एक वह इंद्र दत्त लखनपाल और सुधीर शर्मा धर्मशाला से और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा। तो ऐसे में जो विधानसभा में आज पहली बार जो 28 विधायकों के साथ भाजपा सदन में पहुंची, वही अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पास पहले भी 40 विधायक थे, उसके बाद अब भी 40 विधायक है। वही अगर देखा जाए जिस तरीके से जो सदन शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो कल की मीटिंग थी उसमें बहिष्कार किया, जो मुख्य कारण यही था कि जिस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जिस तरीके से यह बयानबाजी की कि जो 6 के जो सर कलम हो चुके हैं और 3 आरी के नीचे, तो कहीं ना तो कहीं इसका जो भाजपा ने विरोध प्रदर्शित किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। वहीं जिस तरीके से आज जो विधेयक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जिस तरीके से जो सत्र शुरू हुआ, 3 जो विधायक थे जो कि जो एक्स एमएलए थे जिनकी डेथ हुई थी, जिनमें अगर हम बात करें विधायक के एचएन नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी का पहले शोक व्यक्त होगा, उसके पश्चात प्रश्नकाल होगा और साथ ही उसके बाद जो विधेयक राज्यपाल द्वारा जो दिए गए हैं उन विधेयकों के जगह, उनमें से जो महत्वपूर्ण विधेयक यही है कि जिस तरीके से जो पहले जो युवती की जो शादी थी वो 18 साल में होती थी, लेकिन अब उसकी उम्र 21 कर देगी। और जो देखा जा रहा है कि खास जो कांग्रेस की जो 40 विधायक है ऐसे में जो विधेयक है वो भी हाँ में हाँ जिस तरीके से जो प्रश्न किया जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी पारित हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये भी एक उचित कदम है, खासकर जिस तरीके से देश में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अन्य जगह भी जिस तरीके से जो अब ये रणनीति आ गई है, खासकर जो पहले शादी 18 साल में होती थी अब 21 साल कर देगी, इससे कहने तो कहीं जो युवती है उनका भी विकास अधिक होगा। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से उसके पश्चात जिस तरीके से जो अगर रूप देखने को मिल रहा है, बीते दिन भी जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई, खासकर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो 10 गारंटी को लेकर आई थी, जिनमें से एक गारंटी थी कि जो बिजली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है 300 यूनिट मुफ्त तो बात की बात है, अगर 125 की बात करें जो उनके कार्यकाल के दौरान जबकि वो मुख्यमंत्री थे, जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे पिछली गवर्नमेंट में, तो उस दौरान प्रदेशवासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी गई थी, लेकिन उसके बाद आज स्थिति ये हो चुकी है कि जो अब साधन संपन्न लोग हैं उनको अब ये सब्सिडी नहीं दी जा रही है। साथ ही जिस तरीके से एक घर में एक मीटर ही होना चाहिए, वहीं अगर जो कांग्रेस की बात करें वो ये तर्क देती है कि खासकर कमर्शियलाइज भी करना चाहिए, एक बिल्डिंग यदि किसकी अगर वो 50 मीटर लगाता तो 50 को सब्सिडी नहीं मिलेगी, केवल मात्र एक को ही मिलेगी। वैसे चाहे वो जज हो, एसएमएलए हो, मिनिस्टर हो, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लोग और जो आईटीआर फिल करते हैं उन सभी लोगों यानी कि जो साधन संपन्न लोग हैं उनको नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पानी, जिस तरीके से महंगा किया जयराम के समय के दौरान, जो अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी है वो मुफ्त किया गया था और जो बिल आता था 32-33 हज़ार, लेकिन अब इसमें भी बढ़ोतरी की गई है, 100 रुपए की देनदारी अब प्रत्येक माह अब उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो बिजली और जो पानी है वो महंगा हो चुका है, इसके साथ ही जो महिलाओं का भी जो किराए में बंद कर दिया गया और साथ ही जो बीते दिन भी जो विधायक दल के दौरान जो बैठक हुई थी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा था जो पुलिस कर्मचारी हो कहीं ना तो कहीं सरकारी कार्य से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, ऐसे में उनसे पहले जहां 110 रुपए लिए जाते थे अब उनसे 500 रुपए लिए जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार इसको भी फैसले को वापस ले। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है अभी तक, तो भले ही विधानसभा में अपने सहयोगी से चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं जिस तरीके से अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चल रहा है, लेकिन कुछ ही देर के पश्चात जब ये जो 3 एक्स एमएलए है जिनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद जो शोक होता है विधेयक होगा, उसके बाद कहीं ना तो कहीं भाजपा आज उग्र आंदोलन कर सकती है, ये पूरी संभावना जताई जा रही है। जी कामेश्वर, जयराम ठाकुर जो है उनके बयान से ये तो साफ हो गया है कि इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 10 गारंटी भी लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, चाहे उन्होंने कहा था कि गोबर हम 2 रुपए के हिसाब से लेंगे, गाय का दूध जो 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए और प्रत्येक परिवार से 10 लीटर देंगे, वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा उनको जो ऋण दिया जाएगा मुहैया किया जाएगा, जो प्रत्येक विधानसभा के जो बजट रखा गया था 10 करोड़ रखा गया था, कुल मिलाकर 68 विधानसभा है तो कुल मिलाकर 680 करोड़ का प्रावधान रखा था। इसके अतिरिक्त जो ओपीएस है या अगर देखा जाए इस टाइम तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सोहन ने पहले कैबिनेट में ओपीएस को भले ही बहाल कर दी है, पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अभी संपूर्ण रूप से ये नहीं मिट पाए, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुबह ही विधानसभा सत्र जाने से पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरीके से एडीएम और डीए कर्मचारी को नहीं मिल रहा है, कर्मचारी में रोष है और कर्मचारियों का जीत के हितेशी होने की बात जो कांग्रेस सरकार करे, कहीं ना तो कहीं जो शोषण किया जा रहा है वही अगर देखा जाए 2 बार जो अगर हम बात करें प्रत्येक जो कर्मचारी है सचिवालय में उन्होंने नारेबाजी की, घेराव किया था, सरकार को चेतावनी दी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कैबिनेट होने से 3 दिन पूर्व सभी जो कर्मचारी नेता थे उन्हें सचिवालय बुलाया, उनसे बैठक की, तथा आश्वासन दिया कि जो दीपावली है दीपावली से पहले जो डीए एरियर देने का उन्होंने आश्वासन दिया, तो कुल मिलाकर जो अगर हम बात करें तो भले ही शांत देख रहे, अगर देखा जाए दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बीते दिन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस की है अलका लामा ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ रहा है, खासकर जो हंसराज द्वारा पहले एक ही अपनी बूथ की जो युवती थी जो कि 20 वर्ष की है, उन्हें पहले अश्लील फोटो भेजा जाता है उसके बाद एफआईआर दी होती, तो ऐसे में आज वो विधानसभा का घेराव भी करेगी। बीते दिन उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वह अगले दिन यानी कि आज जिस तरीके से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करेगी और साथ ही जो विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तो कुल मिलाकर अभी तक देखा जा रहा है तो फिलहाल जो कांग्रेस महिला जो प्रतिनिधिमंडल है फिलहाल अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी मिलेंगे तथा उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से महिलाओं के शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठे, और साथ ही जो विधायक है जो कि चुनाव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, पूर्व में वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस तरीके से उन्होंने जो हरकतें की है तो कहीं ना तो कहीं वो निंदनीय है, इसको लेकर कांग्रेस कमेटी है खासकर अलका लामा के नेतृत्व में आज विधानसभा का घेराव करने के लिए उन्होंने बीते दिन प्रेस वार्ता के दौरान कहा था। जी कामेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो